ये देखिए दोस्तों, इससे अपने दो प्रेस इजीली चला सकते हो। अभी आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी दोनों प्रेसों में स्टीम कंटिन्यू चल रहा है। अभी आप इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टीम आयरनिंग के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हो, स्टीम आयरनिंग टेबल है जिससे आप गारमेंट्स में और लॉन्ड्री वगैरह जो भी है इसमें यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना हुआ है सारा सेटअप। इससे आपकी दो प्रेस और सिंगल प्रेस और ये सारा ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आइए, मैं आपको फुल्ली ऑटोमेटिक बॉलर से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक बॉलर है। ये हमारे पास 9 किलोवाट और 6 किलोवाट, 18 किलोवाट, 12 किलोवाट हर टाइप में मॉडल तैयार है। जो आप बोलोगे आपके अकॉर्डिंग इसको हम किलोवाट में भी कन्वर्ट करके जिसके आपके तरीके जितना आपको यूज चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फुल्ली ऑटोमेटिक बॉलर का वाटर इनलेट पाइप है। इसको वाटर से कनेक्ट करके ये ऑटोमेटिक इसके अंदर पंप होता है, वहाँ से पानी खींच लेता है और आपका ऑटोमेटिक काम करता है। नॉन स्टॉप आपको इसको आप इसको नॉन स्टॉप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पानी वाटर टैंक से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बार बार स्टीम का डाउन होने का प्रॉब्लम, लो होने का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। आपको कभी भी बार बार पानी डालने की सारी उससे छूट मिल जाती है। इससे आप दो प्रेस चला सकते हो। इसमें हमने ऑलरेडी सोलेनॉइड वाल्व कनेक्ट कर रखे है। ये सेफ्टी वाल्व होता है बॉलर का और ये दो आपको वाल यूज़ के लिए। यहाँ पे आप इसका एयर वाल्व देते हैं जैसे कि ओवर फ्लो वगैरह चेक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो है आपका फुली ऑटोमेटिक बॉलर जिसके अंदर पंप वगैरह सब कुछ लगा होता है, फुली ऑटोमेटिक। और इसके बगल में है हमारे पास 10 लीटर का सेमी ऑटोमेटिक बॉलर। इसको आप सिंगल आयरन के लिए यूज़ करते हैं, छोटे काम के लिए जैसे 100-200 कपड़े करने के लिए उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिनिशिंग वगैरह में आपका सैम्पलिंग वगैरह का यूज़ करने के लिए, ये आपको छोटी लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको छोटे काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपका एक तो ब्लो डाउन वाल होता है पानी निकालने के लिए आप इसको, और ये एयर वाल होता है। इसमें यहाँ पे आपका वायर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ये सेफ्टी वाल लगा हुआ होता है इसमें, और प्रेशर रिलीफ वाल बोल सकते हो आप इसे। और यहाँ पे आपका वाटर इसमें डाल सकते हो। ये भी इसमें एक सिंगल स्टीम सोलनॉइड वाल लगा हुआ है, इसमें आप आयरन को कनेक्शन दे सकते हो, आयरन का स्टीम होज और इलेक्ट्रिक कनेक्शन। यहाँ से आप स्टीम को कम बढ़ती करने के लिए क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमा सकते हो। क्लॉक वाइज में आपका स्टीम को बंद करेगा और एंटी क्लॉक में आपका स्टीम को खोल देगा। और इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक कनेक्शन ये मेन ऑन है। यहाँ पे आप आयरन को एलिमेंट इसका ऑन कर सकते हो और स्टीम प्रेस के लिए लो वाटर के लिए इंडिकेशन है आपका। स्टीम ऑन के लिए है लो वाटर और हीटिंग के लिए इंडिकेशन है। प्रेशर को ऑन ऑफ जितना भी प्रेशर इसमें होगा उसमें दिखाई देगा। वही चीज़ हमारे ऑटोमेटिक में भी होती है, आप इसमें देख सकते हो प्रेशर के, और ये हाई प्रेशर बजर भी होता है इसमें। वही फंक्शन होते हैं बस ऑटोमेटिक में, पानी ऑटोमेटिक नॉन स्टॉप काम करने के लिए, और सेमी ऑटोमेटिक में आपका पानी को बार बार डालना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, उसमें आपका आधा पौना घंटा ख़राब हो जाता है। और ऑटोमेटिक में आपका ऐसा नहीं है, उसमें नॉन स्टॉप आप चला सकते हो। तो दोस्तों हमने इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन अभी दे दिया है। ये देखिए आप, हमने अभी टेम्परेली इसको जोड़ रखा है। आप इसको अगर यूज़ करना है तो MCB वगैरह लगाए, क्योंकि MCB में करंट वगैरह लगने का, शॉर्ट सर्किट का सबका सेफ्टी होता है। ये टेम्परेली कभी यूज ना करें, ये तो हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें पानी डालते हैं और इसके फंक्शन आपको दिखाता हूँ। पहले रुकिए, आप इसमें वोल्ट और एम्पियर का दोनों का फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऑन करिए मेन, अभी ये दिखा रहा है ये येलो ब्लू बत्ती जल गई है, इसका मतलब लो वाटर है। ये देखिए अभी इसमें पानी नहीं है। इसके अगर जब तक पानी नहीं डालोगे हीटर भी इसका ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। पानी डालोगे ऑटोमेटिक हीटर ऑन हो जाएगा। अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ दोस्तों। प्रेशर इसका भी कुछ नहीं है। अभी इसमें पानी दोस्तों, पानी डालते टाइम एक ध्यान रखना है, प्रेशर में कभी भी इसको वाल को ओपन नहीं करना है। अगर प्रेशर में प्रेशर के अंदर अगर ओपन करोगे तो आपको जलने का खतरा हो सकता है, आपको नुकसान कर सकती है स्टीम।
क्योंकि इसका 150 डिग्री प्लस टेम्परेचर होता है, आपको हीटिंग कर सकता है। और पानी डालते टाइम एक ध्यान रखिए, ये वाल ओपन करके उससे पहले ये एयर वाल ये ज़रूर ओपन करें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा ओवरफ्लो अगर आप बचने के लिए, जैसे स्टीम में ओवरफ्लो पानी आ जाता है उसको, उससे बचने के लिए आप इसको खोलेंगे तो आपको पता रहेगा कितना पानी आप इसमें डालना है। ये देखिए, जब तक पानी भरना है जब तक आपका ये यहाँ से पानी निकलने लगे। अभी इसमें पानी हम डाल रहे हैं, जब तक अभी येलो बत्ती जल रही है, जब तक हीटर ऑन नहीं होगा तब तक तो पानी डालना ही डालना है, उसके ऊपर भी आपको पानी डालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको इतने इसके बारे में, हाँ हाँ देखिए, अभी आपका हीटर ऑन हो गया है, इसका मतलब आपका फंक्शन स्टीम बनना स्टार्ट हो गया है। अभी जैसे ही आपका हीटर ऑन होता है उसके बाद में आपको पानी डालना है कंटिन्यू, तब तक जब तक आपका इस वाल से पानी निकल ना जाए। तो आपका समझिए ओवरफ्लो से बचने के लिए कितना पानी डालना है उससे करने के लिए आपको इसके ऐसे यूज कर सकते हो। बस अभी हम इसको कम पानी में यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम बचाने के लिए, हमें को स्टीम वगैरह बनाने के लिए थोड़ा कम ही पानी डाला है इसमें हमने। तो दोस्तों अभी यह पानी पूरा हो गया है, मैंने ये वाल ऑफ कर दिया है। इसको कभी भी स्टीम में बनते टाइम आपको ओपन नहीं करना है, ये डेंजर हो सकता है। अभी दोस्तों ये एम्पेयर भी ले रहा है, ये 15 एम्पेयर के आसपास ले रहा है, हमारा 4 किलोवाट का इसमें लोड है, 2 प्रेस आप इससे चला सकते हो। ये मेन और हीटर ऑन सब बत्ती ऑन है, अब रह गई है आपकी येलो, येलो बत्ती आपकी तब ऑन होगी जब आपका स्टीम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इतने स्टीम बढ़ती है, मैं आपको टेबल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। टेबल के बारे में अभी आपको हमारे बबलू बंसल आपको बताएंगे। बताइए आप इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे आपको? ये वैक्यूम, ये हीटर ऑन है, हीटर के लिए इसका। ओके, ये हीटर किस चीज़ के लिए है? ये मॉइस्चर के लिए है, टेबल में मॉइस्चर वगैरह आता है ना उसके लिए। ओके, और इसमें एलिमेंट? ये एलिमेंट है, जितने डिग्री पे आपको करना हो उतने पे कर सकते हैं। ओके, ये आपका आयरन को ऑन करने के लिए, इसे कनेक्ट कर सकते हो आयरन को आप। ये आयरन का स्विच है, जो आपकी आयरन इसमें लगी हुई है, इसमें कनेक्शन दे रखा है। ये जो स्विच लगा हुआ है ये इसमें सप्लाई जाती है यहाँ पे। इसको हमने टेम्परेली नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया है, इसको आप कभी भी हटा सकते हो, कभी भी रिपेयरिंग करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए आपको कोई वायर काटना नहीं है। आपको बहुत अच्छे से कनेक्शन बना के दे दिया है, आपको बस इजीली कनेक्ट ऐसे कर देना है, कोई टेप वगैरह कुछ नहीं, एकदम इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही इसमें हमने सोलनेट वाल के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, कोई वायर को आपको कटिंग नहीं करनी है, कोई टेपिंग वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर आपको स्क्रू खोलना है, ये निकाल देना है, बाकी आपकी प्रेस बिल्कुल अलग हो जाएगी और कभी भी आपको रिपेयरिंग में ले जाने में आसानी होगी। यहाँ पे आपका प्रेस के लिए हो गया, ये टेबल के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका है ये, और ये वैक्यूम होता है सर, आप इसको देख सकते हो। और ये टेबल के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हीटिंग कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर वगैरह आने लगता है बेड शीट में, उसके मॉइस्चर को सुखाने के लिए। और दोस्तों अभी आपको हमारे बबलू जी इसका वैक्यूम ऑन करके दिखाएंगे। कोई कपड़ा है बबलू जी आपके पास? तो चलिए दोस्तों एक मिनट, इस प्रेस के बारे में भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये प्रेस है आपकी, ये आपको स्टीम ऑन करने के लिए स्विच होता है, जैसे आप इसको दबाएंगे देखिए आपको आवाज़ आ रही है, वो सोलनेट की आवाज़ आ रही है। जैसे आप इसको ऑन ऑफ करते हो तो इससे स्टीम आपकी प्रेस से निकलनी चालू जाती है। इसके अंदर एक पेपर होता है सर, आप इस पेपर को हटाने के लिए स्टीम को थोड़ा हीट करें, हीट करने के बाद अपने आप ही ये पेपर निकल जाएगा। जैसे ये पेपर निकल जाएगा फिर आपकी स्टीम आनी चालू हो जाएगी। और ये हीटिंग कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगा होता है इसमें, आप इसको कभी भी इजीली बढ़ा सकते हो जितने आपका ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसमें स्टीम कंप्लीट हो चुकी है, आप इसकी देखिए येलो बत्ती ऑन हो जाएगी अभी, देखिए 2 मिनट में। अब इसका प्रेशर जा चुका है 4 किलो प्लस, ये देखिए अब येलो बत्ती ऑन हो गई आपकी, हीटर ऑफ हो गया है,
इसलिए ऑटोमेटिक बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोमेटिक है, पर ये पानी के मुकाबले, पानी आप उसको हैंड से ही डालना पड़ेगा, बाकी सारा फंक्शन ऑटोमेटिक काम करता है इसका। तो चलिए दोस्तों अभी इसको यूज़ करते हैं हम, दोनों टेबलों को किस तरीके से यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो दोनों प्रेस को स्टीम निकालो, पहले दोनों प्रेसों को स्टीम, तो स्टीम दिखाना इधर, ये दोनों प्रेस आप इससे इकट्ठा यूज कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इससे अपने दो प्रेस इजीली चला सकते हो। अभी आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ, अभी दोनों प्रेसों में स्टीम कंटिन्यू चल रहा है, अभी आप इसको देखेंगे, बस अब इसको यूज करो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आप स्टीम आयरन इसमें यूज होने लगी है, स्टीम भी दिखाते रहे थोड़ी बहुत चला के। दोस्तों हमने इसमें दो आयरन दो मॉडल की रखी हुई है, एक 228 मॉडल है और एक आपका STB 200। इसमें अपने दोनों टाइप के आयरनों का आपको दिखा रखा है, कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसको। यूज़ करने में दोनों सिंपल है, कोई भी आप आयरन ले सकते हो। तो आए दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया है, सेमी ऑटोमेटिक बॉलर और फुली ऑटोमेटिक, और 20-10 लीटर के बारे में भी मैंने आपको दिखाया है, 20 लीटर का बॉलर भी आपको दिखा दिया है। ये दोनों बॉलर सेमी ऑटोमेटिक है, 10 लीटर और 20 लीटर, और इसके बाद आपका ये फुली ऑटोमेटिक है, आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हो। ज़्यादा काम के लिए फुली ऑटोमेटिक बेटर रहता है, क्योंकि उसमें बार बार पानी डालने का झंझट नहीं है, आप आराम से वाटर टैंक से कनेक्ट करके आप इजीली आप इसको चला सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना सेटअप सारा, और इसके साथ हमारे पास एक नया मॉडल और है, वो भी आपको हम नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो दिखाएंगे। ये इनबिल्ट है, इसके अंदर वो ऑटोमेटिक बॉलर होता है, और इसमें आप हैवी आयरन भी चला सकते हो, वो भी मॉडल हमारे पास होता है, ये आयरन भी हमारे पास होती है, ये भी आप ले सकते हो। इसके साथ आपको इलेक्ट्रिक आयरन जो आपको पहले दोनों दिखाई है, वो भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये सारा सेटअप अभी आपने कंप्लीट करके आपको दिखा दिया था, अब मैं इसको बंद कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे मेन MCB जो आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, अभी हमने टेम्परेली कनेक्शन किया हुआ है, आपको सारे स्विच ऑफ कर देने हैं।
यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो ऐसा ही। टेबल वगैरह में जो भी आपका स्विच है वो ऑफ करिए, दोनों टेबलों को आप बंद कर सकते हो। और अगर आपको बॉलर की लाइफ अच्छी चाहिए तो आपको बॉलर को ब्लो डाउन करना ज़रूरी होता है, जिससे स्केलिंग वगैरह सारा क्लियर हो जाता है, जो पानी में नमक होता है वो सब कुछ निकल जाता है। तो ब्लो डाउन मारेंगे, एक मिनट रुकिए आप, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन हटाइए एक बार। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा, इधर दीवार है, मैं इसको थोड़ा इसका डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रेशर दिखाता हूँ कि इसमें कितना प्रेशर होता है और कैसे आपको ब्लो डाउन करना है। आप इसको कोई प्लम्बर से फिटिंग करके आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन आपकी रख सकते हो इसकी, क्योंकि अभी उधर दीवार है इसलिए मैंने इसको इधर खुले में कर लिया है। आप देख सकते हो इसमें कितना प्रेशर होता है, ये आपको ब्लो डाउन करना ज़रूरी होता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों, चलते टाइम बॉलर में प्रेशर में कभी भी ये वाल ऑन नहीं करना। अगर आप इसको प्रेशर में ऑन करेंगे तो आपको जलने का खतरा होगा। देखिए, कभी भी चलते बॉलर में ये ऑन नहीं करना, क्योंकि जब तक इसमें प्रेशर आपका पूरा रिलीज ना हो जाए तब तक आप इसको पानी डालने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करेंगे तो आप चोट खा जाएंगे। तो आप कर सकते हो, इसको ब्लो डाउन करिए। इसके बाद आप इसको एयर वाल भी खोल सकते हो, जो थोड़ा बहुत इसमें है वो सब निकल जाएगा और आप इजीली इसमें दोबारा पानी ऐसे ही डाल सकते हो। अब देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा अभी। कभी आपको नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है, दोबारा आपको रिसाइकिल करना है, तो सारे वाल ऑफ करो और दोबारा इसमें पानी डाल दो। दोबारा पानी डालने के बाद इसको बंद कर दो, आपका दोबारा ये सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे 20 लीटर का टैंक होता है, जैसे पानी खत्म होगा आपको बार बार ये रिसाइकिल करना पड़ेगा। यही सेमी ऑटोमेटिक होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। उसमें आपको वाटर टैंक से पाइप कनेक्ट करना पड़ता है बस, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सारा काम करता है। ये नॉन स्टॉप आपको चला सकते हो ऑटोमेटिक को। ये मैंने आपको सारी जानकारी फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक के बारे में और दो टेबल कैसे चलती है वो भी आपको दिखा दिया है। दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपको जानकारी और चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सारा डिटेल सेंड कर दूंगा। आप मेरे को कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो कमेंट वेंट करके भी आप पता कर सकते हो।